गुरु नगरी पांवटा साहिब में दुनिया का पहला कवि दरबार नाम की इमारत का शुभारंभ हो गया है। कवि दरबार को इस ढांचे से तैयार किया गया है कि बिल्डिंग की सुंदरता को देखकर श्रद्धालु और पर्यटक आकर्षित हो जाते हैं। इमारत को बनाने के लिए राजस्थान के मकराना और धौलपुर से स्पेशल पत्थर मंगवाए गए हैं। 2 वर्षों से कवि दरबार बनाने का कार्य चल रहा था, इसका अब शुभारंभ हो गया है। दरअसल गुरु नगरी पांवटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह महाराज द्वारा अपने 52 कवियों के साथ कवि दरबार की परंपरा करीब 365 साल पहले शुरू की थी, जो परंपरा आज भी निरंतर निभाई जा रही है। गुरुद्वारे के अंदर ही कवि दरबार सजाया जाता था। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उप प्रधान हरभजन सिंह ने बताया कि संगतों के सहयोग से पांवटा साहिब में कवि दरबार बनाकर तैयार किया गया है और गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू की गई कवि दरबार की परंपरा को आज भी यहां बखूबी निभाया जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा पांवटा साहिब में कवि दरबार साहिब की इमारत काफी कई सालों से जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हो रहा था। ये एक पहाड़ी के अंदर जो है नीचे पुरातन जो थोड़ा नीचे करके एक खड़ा बनाया गया था, उसके ऊपर वहां पर ऐसा विचार था कि गुरु साहब जी यहाँ अपने 52 कवि रख के अपने समय में यहाँ कविताएं अलग अलग भाषाओं से सुनते थे। इस इमारत को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि नीचे जाने में संतों को बहुत दिक्कत आती थी और जो है वो स्थान भी बहुत छोटा था, जहाँ वहां पर सब पूरी संगत नहीं बैठ सकती थी, इसलिए ये नई इमारत यह जो इसके नीचे संगतों के रहने के लिए रिहायश का प्रबंध किया गया है। ऊपर जो है एक सुंदर कवि दरबार स्थान जो है बनाया गया, वो एक तो मकराना से पत्थर मंगाया गया, तौरपुर का पत्थर जो है वो सामने उसके जो एंट्री है उसके ऊपर लगाया गया, जो बड़े सुंदर उस पर कढ़ाई करके लगाया गया है। सुंदर निशान साहब भी वहां पर सजा दिया गया और जो नीचे का पत्थर है वो सारा वो मकराना से आके बहुत सुंदर जो है उसकी सेवाएं की है। बाबा हरबाल सिंह जी कार सेवा वाले ने इसकी सेवा की है और संतों के सहयोग से जो है ये बहुत सुंदर स्थान बन गया है। इस कवि दरबार कवि दरबार जो स्थान है वो इमारत जो है वो सिर्फ पांवटा साहिब में ही है कवि दरबार के नाम से, लेकिन कवि दरबार तो सारे संसार में सजाए जाते हैं, लेकिन कवि दरबार नाम से जो इमारत है, जो स्थान है, वो सिर्फ एक पांवटा साहिब में ही इस सारी सृष्टि में एक ही स्थान है जो कवि दरबार की इमारत के नाम से जानी जाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस स्थान से साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी ने कविया तो कविता सुन के बड़े प्रसन्न होंदे सन। गुरु जी कविया नू सोने दिया मोहरा अते माया दे गप्पे बख्शदे सन। इत्ते ही सतगुरु जी ने चंदन कवि दा हंकार तोड़िया सी अते घोड़िया दी सेवा करन वाले भाई धन्ना घाइया जी तो कविता दे अर्थ कराए सन। इत्ते ही आप जी ने यमुना नदी नू शांत रहन दा हुक्म दिता ते यमुना निमाणी अज तक गुरु साहिब जी दे बचना दी पालना करदी है, हुक्म अनुसार शांत चल रही है। इस स्थान दा महत्व है जी, इत्थे 52 कवि उच्च कोटी दे कवि कवितावां सुणांदे सी सतगुरु सच्चे पातशाह नू। हर पुरन वासी नू कवि दरबार सजदे हैं जी इस स्थान ते। सो दास दी इन्नी बेनती ते भुला चुका नू खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से देवान शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।